यह चैनल किसी भी अवैध सामग्री को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री का मतलब है शैक्षणिक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय चैनल ऑफिशियल होम। सो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि वो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कोई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वैसे तो आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि हम किस तरीके से किसी भी क्वालकॉम डिवाइस में अगर FRP लॉक लगा हो या फिर लॉक लग गया हो, जैसे कि ओप्पो के फ़ोन्स आते हैं, ओप्पो के फ़ोन्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो फ़ोन में पैटर्न लॉक लगा हुआ हो या फिर कुछ हो, तो अगर हार्ड रिसेट में हम जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हार्ड रिसेट में वो हार्ड रिसेट होता नहीं है, स्वाइप डेटा फेल्ड हो जाता है, ठीक है, या फिर वहाँ पे भी आपको पासवर्ड मांगता है, ठीक। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप दुकान पे जाते हैं, 300 से 400 रुपये आप पे करते हैं, उसके बाद जाके आपका वो लॉक हटता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, जिन मेरे दोस्तों या सब्सक्राइबर्स के पास सिस्टम होगा और जो आने वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास PC होगा या फिर कुछ भी होगा, वो आसानी से अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो MI के फ़ोन्स आते हैं, लाइक MI के बहुत सारे जो लेटेस्ट फ़ोन्स आ रहे हैं जिनमें लॉक लग जाता है और उसमें रिकवरी मोड होता ही नहीं है, अगर आप उसको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन दबाएंगे तो डायरेक्टली वो रिकवरी मोड का एक लोगो बन के आ जाएगा और आप उसके सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें, ठीक है। तो अब क्या करें ऐसा है कि उसमें से FRP लॉक भी रिमूव हो जाए और आसानी से हो जाए, FRP लॉक पासवर्ड और कोई भी दिक्कत आती है उसको हम इजीली रीसेट कर सके एकदम हार्ड रीसेट की तरह। और साथ ही साथ हम कोई प्रॉब्लम्स होती है, या जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन टेम्परेरी ब्लॉक्ड ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, फ़ोन ब्लॉक्ड हो गया है, और MI के फ़ोन्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, तो उनको अनलॉक करने का तरीका, ये ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, वीवो के जो क्वालकॉम फ़ोन्स आते हैं, ओप्पो के जो क्वालकॉम फ़ोन्स आते हैं और MI के जो क्वालकॉम वाले फ़ोन्स आते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के जो फ़ोन्स आते हैं, उनमें ये ट्रिक वर्क करती है दोस्तों 100%। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा RB सॉफ्ट, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूंगा, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको हर अगर बाई चांस आपका वीवो है तो वीवो की जो फाइल होती है उसमें एक एड्रेस फाइल होती है दोस्तों, वो एड्रेस फाइल में हमारे जो CPU होता है उसका नंबर होता है, तो जैसे मान लीजिए जो मेरे पास CPU नंबर है वो है 8917DDR, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों, अगर इसका यूज़ करते हैं हम लोग तो एड्रेस, जिस एड्रेस में हमारा डेटा स्टोर होता है, जैसे लाइक अगर आपने कोई भी पासवर्ड वसवर्ड लगाया है तो वो जिस एड्रेस पर स्टोर हुआ होगा उस एड्रेस को फॉर्मेट कर देता है, और अगर आप डेटा बचाना चाहते हैं तो डेटा भी बचा सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये हो गया हमारा एड्रेस फाइल, ठीक है। तो करना क्या है आपको, ऐसी अलग अलग फाइल्स के अलग अलग एड्रेसेस होते हैं, अलग जैसे मान लीजिए वीवो का हो सकता है, वीवो का होगा 8937 CPU EMMC IC उसकी होगी 8937 होगी, किसी की 8953 होगी, किसी की 8917 होगी, तो सबकी आपको प्रोग्रामिंग EMMC एड्रेस फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, .mbn करके फाइल होती है, वैसे मैं कुछ फाइल्स डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूंगा, आप मेरी वेबसाइट से जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम इसको वर्क कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए RB शॉप्ट है, ठीक है, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है आपको, एडमिन के थ्रू ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप उसको एडमिन के थ्रू ओपन करेंगे तो ये आपको लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो यूज़र नेम पासवर्ड आपको इसी में मिल जाएगा, ये इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें सिंपली आपको ये चीज़ कॉपी करनी है, हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप ये यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो अपना नेट जरूर कनेक्ट रखिएगा, क्योंकि नेट से लेता है एक्सेस, ठीक है। तो लॉगिन कर लिया हमने इसको, लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से देखिए यहाँ से आप MI अकाउंट भी रिमूव कर सकते हैं इजी मेथड से, पर आप क्वालकॉम मतलब स्नैपड्रैगन के जितने फ़ोन आते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो मैन्युअली जाना है, मैन्युअली में जाने के बाद आपको यहाँ से एड्रेस फाइल को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे हमारी एड्रेस फाइल ये पड़ी हुई है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप अगर आपके में वो लगा हुआ नोवर्ट के वर्जन में अगर लगा होगा आपका FRP लॉक तो आप यहाँ से डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने फ़ोन में EDL मोड को ओपन करना होगा, क्वालकॉम मोड्स को ओपन करना होगा, मैं कुछ स्क्रीनशॉट या फिर कुछ बीच में दिखा दूंगा किस तरीके से वर्क करता है, मैंने किस तरीके से Redmi Note 5A में किया था और उसको रीसेट किया था या फिर यूज़र डेटा रीसेट किया था,
आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी इसी का यूज़ करके बस आपको एड्रेस फाइल को दूसरी एड्रेस फाइल, अगर वीवो का होगा तो वीवो की एड्रेस फाइल का यूज़ करिएगा, और ओप्पो का होगा तो ओप्पो के फ़ोन का जो मॉडल होगा उसके एड्रेस की फाइल की यूज़ कीजिएगा। जो आपका प्रोसेसर होगा उसकी ईएमएमसी आईसी का नंबर मैच करके आपको उसका एड्रेस फाइल निकालना होगा नेट से, ठीक है। तो चलिए इतना तो मैंने बता दिया आपको, अब क्या करना है। तो अब ये करना है आपको कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको और भी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करना। कमेंट करके बताना दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी होगी तो मैं ऐसी और नई नई वीडियोज़ लेकर आते रहूँगा। और मैंने जो अभी सीरीज चालू की थी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उसकी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा 3 जून के बाद, ठीक है। उसी सीरीज़ में मैं ऐड करूँगा, और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑफिशियल। बाय बाय।